हेलो डेक, इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गया हम लोगों ने हिंदी में एसक्यूएल नहीं फोड़ा है। थोड़ा एसक्यूएल फोड़ते हैं, बहुत दिन हो गए, पर करीब 50 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी फिर से वापस स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने देखा नहीं है तो कैसे अपना एसक्यूएल सेटअप करना है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, एंड कैसे आपको डेटा सेट इम्पोर्ट करने हैं वो सब भी मैंने सिखा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ बता देना। और इंग्लिश चैनल में बहुत सारे डिटेल वीडियो एसक्यूएल के बन चुके हैं। और फिर भी आप अगर चाहते हैं कि हिंदी का वीडियो देखें तो हिंदी के वीडियोज़ में एक मैंने सिंगल वीडियो बना चुका है, 100 पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एसक्यूएल के, वो देखिए और पूरा एसक्यूएल फोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है मैंने, उसमें बस सॉल्व किए क्वेश्चंस, और अगर अभी समझा रहा हूँ मैं तो प्लीज़ अगर ऐसे वीडियो को आप लाइक करेंगे तब तो मोटिवेशन मिलेगा, आई विल मेक मोर वीडियोज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और शुरू करते हैं। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स हु आर वर्किंग इन शिकागो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम तीन चार बस वीडियो बस तीन टेबल यूज़ कर रहे हैं जो कि EMP टेबल है। और जैसे मैंने बताया था पहले ही, क्या कहते हैं, हम जब भी टेबल का नाम लिखते हैं तो टेबल का नाम लिखने से पहले हम लोग उसके स्कीमा नेम लगाते हैं। बेसिकली किस तरह लिखना होता है कि पहले आप लिखोगे डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम लिखोगे, ठीक है। बट आप जब भी कभी हाइव को या कभी पुट्टी से कॉल करेंगे टेबल को या किसी टर्मिनल से कॉल करेंगे तो ज़्यादातर डेटाबेस डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ होगा। यहाँ पे मैं DBY यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं डेटाबेस का नाम और स्कीमा का नाम सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ स्पेसिफाई कर दी है, तो इसलिए मैं हर क्वेरी में नहीं लिखूंगा, बट आपको आदत डालनी है कि डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम लिखना है। तो यहाँ अभी आपके प्रैक्टिस के लिए scott.emp ये एक टेबल है, तो दूसरा टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम scott.tept, ठीक है, दूसरा टेबल है, एंड तीसरा टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम scott.salgrid, ठीक है, ये तीसरा टेबल है। ये तीन ज़्यादातर टेबल है, अभी तक सैलग्रेड टच किया नहीं है, बट अभी आगे के जैसे हम क्वेरी सॉल्व करने लगेंगे उस तरह हम सैलग्रेड को भी टच करेंगे। और देखते जाए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा फोड़ेंगे। और कुछ भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियो बनाऊँ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन, डिस्प्ले द नेम एम्प्लॉय नेम्स हु आर वर्किंग इन शिकागो। तो यहाँ अगर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, ठीक है, मैं स्कीमा नेम नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कॉन्फिगर कर दिया है, तो स्कीमा नेम नहीं लिख रहा हूँ हर बार में, बट आप आदत डालिए स्कीमा नेम लिखने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने जैसे डिपार्टमेंट नेम लिखा, यहाँ पे लोकेशन जो है शिकागो, तो शिकागो में जो जो काम करते हैं, बेसिकली शिकागो में काम करते हैं डिपार्टमेंट 30 के होने चाहिए वो। द एम्प्लॉय नेम्स हु आर वर्किंग इन शिकागो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शिकागो ये है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिकागो वाले लोग वेयर लोकेशन इक्वल टू शिकागो, ठीक है। बट हमें बस DPT नंबर चाहिए, क्योंकि DPT नंबर जो है हम कंपेयर करेंगे एम्प्लॉय टेबल के नंबर से। तो यहाँ से कई तरह के, दो तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं दो तरह से समझा देता हूँ, उस तरह से आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर इक्वल टू, अगर 30 करते हैं तो इस तरह से हमें पता चलेगा ये लोग शिकागो में काम करते हैं। बट इस तरह से 30 हम करते नहीं है, क्योंकि कल को डिपार्टमेंट नंबर चेंज हो गया, तो शिकागो वाले लोकेशन का डिपार्टमेंट नंबर तो 30 है, थर्टी आ गया, तो यहाँ से 30 लिख नहीं सकते, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू कर देंगे और ये सब क्वेरी यहाँ पे ले आएंगे। सब क्वेरी का सॉल्व करने का तरीका बड़ा अच्छा है, आसान है। तो इस तरह से हमने ले आया डिस्प्लॉय दर एम्प्लॉय ने बोला, बस ठीक है।
ठीक है, सब लोग 30 डिपार्टमेंट में मतलब शिकागो में काम करते हैं। सिमिलरली हम कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं किससे, इनर जॉइन से करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ई नेम, ई डॉट ई नेम, मैं ई डॉट को लिख रहा हूँ, मैं भी समझाता हूँ थोड़ी देर में। नंबर कॉमन डी डॉट डी नेम कॉमन डी डॉट सी फ्रॉम नेम बी टी डी बी टी डी डी डॉट सी कॉल टू कोड, ठीक है। आउटपुट एक बार देख लेते हैं, आउटपुट कुछ थोड़ा गंदा आया है। परफेक्ट, ठीक है। गलती हुई थी थोड़ी, बट मैं समझा देता हूँ आपको वो गलती अपना कहीं करके। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाता हूँ स्क्रीन से। यहाँ पे देखिए क्या क्या मैंने एम्प्लॉय ई लिया है, ठीक है। अभी मेरे को करना है इनर जॉइन, तो आप इनर जॉइन करके अंदर ही मैं सिंपल समझाता हूँ। मेरे को चाहिए क्या, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, परफेक्ट है। डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं अभी। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम चाहिए, एलओसी चाहिए, ठीक है। देखिए जब एम्प्लॉय टेबल आप देखते हैं, तो एम्प्लॉय टेबल में आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है क्या, नहीं है। डिपार्टमेंट लोकेशन है क्या, नहीं है, ठीक है। जब एम्प्लॉय टेबल देखेंगे हमारे पास डिपार्टमेंट नेम नहीं है, डिपार्टमेंट लोकेशन नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन है नहीं, तो ये मेरे को कहाँ से लाना है, डिपार्टमेंट टेबल से लाना। तो मेरे को डिपार्टमेंट टेबल भी का डेटा भी चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय डेटा का आ गया और डिपार्टमेंट डेटा आ गया। तो अभी मैं हर बार यहाँ पे ईएमपी करके लिखूंगा, नहीं तो देखिए आप ऐसे में करूँ ना, तो मैं यहाँ पे यह ईएमपी टेबल से ले रहा हूँ, ये डीपीटी टेबल से ले रहा हूँ, ये डीपी टेबल से ले रहा हूँ। कंप्यूटर है ना, उसको तो थोड़ी बार हूँ मैं कि यहाँ पे मैं बस लिख दूँ ईएमपी को, ये दो टेबल से ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे डिपार्टमेंट नंबर बिना इसके लिख दूँ, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल में भी है, किसने एम्प्लॉय टेबल में भी है, और सेम डिपार्टमेंट नंबर किस टेबल में है, डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो दोनों में डिपार्टमेंट नंबर है, कन्फ्यूज हो जाएगा वो, मैं कौन से टेबल से उठाऊँ भाई, मेरे को बताओ तो सही। और इससे कन्फ्यूजन ना हो तो उसको बताना पड़ता है, इसलिए हर चीज़ में हम इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, आदत अपनी अच्छी होनी चाहिए कि हर एक में हम लिख दें इस तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने अलियास नेम नहीं लिया, जैसे एम्प्लॉय ईएमपी ई करके लिया था ना, तो ई जो होता है वो मैंने अलियास नेम, या फिर एक ऐसा नाम जो मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगर किसी का नाम बड़ा सा नाम होगा, तो ऑब्वियसली आप पूरा बड़ा नाम नहीं लेते ना, उसका छोटा सा एक नाम ले देते। तो उसी तरह यहाँ पे ईएमपी है, कल को टेबल के नाम बड़े बड़े हो जाएंगे ना, डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, ऐसे करके बड़े बड़े नाम हो जाएंगे, डिम फैक्ट ऐसे बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, कंपनी के नाम ऐसे बड़े, मतलब अपना होता है नोमेनक्लेचर होता है, जो जिस तरह आपसे कंपनी नाम रखना चाहती है, ऐसे बड़े लंबे लंबे नाम हो जाएंगे, ऐसे लंबे लंबे नाम हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं हम एलियास नेम देते हैं, और वो एलियास नेम नाम बुलाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप, मैं ऐसे भी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसमें क्या हम करेंगे, ऑब्वियसली जो जॉइन लगाना है, तो ऐसे तो होता नहीं है ना कि आप क्या करते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने अगर जब ये हटा दिया था, ठीक है, ये मैं हटा दिया और मैंने इसको रन कर दिया, ये मैंने रन कर दिया, देखिए कितना मतलब कितने सारे डेटा, पूरे 14 के 14 के 14 के 14 डेटा आ गए पूरे, सबके आ गए, सबके में शिकागो आ गया, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर लोकेशन शिकागो, हाँ जबरदस्ती, ठीक है, सबके में शिकागो लिखा आ गया और पूरे के 14 के 14 आ गए। बट हमें ये 14 थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए ऐसे एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, इन दोनों एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों में कॉमन कॉमन वाला जो कॉलम है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम, तो सोनों का दोनों का डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए सेम। तो इसीलिए जब हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, अभी जाके आउटपुट आया है सही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्रॉम दिस टेबल एंड दिस टेबल, वेयर ये है, ये जो कॉलम है, ये जो पार्ट है, ये है मेरा इनर जॉइन, ठीक है। और सिमिलर चीज को, ठीक है, आपको मैं एलियास नेम से बता देता हूँ, ये हो गया एलियास नेम, यहाँ पे ईएमपी जगह ई लगा देंगे, ईएमपी जगह ई लगा देंगे, डी लगा देंगे, डिपार्टमेंट डी, ई यहाँ पे भी डी डी,
ठीक है, अभी देखिए सेम क्वेरीज रिमेन सेम, बट यहाँ पे ई एम पी एम पी डी पी डी इतना बड़ा बड़ा आ रहा था, तो कल को टेबल के नंबर और बड़े होंगे तो और भी बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए ऐसे छोटे नाम हो जाते हैं। और सेम चीज़ एकदम सेम चीज़ मैं थोड़े से अलग तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे इक्वल टू डाला है कि मैं इधर से हटा देता हूँ, ये वेयर क्लॉज ही हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बोल जाइए फ्रॉम दिस, अभी इस टेबल के बाद इनर जॉइन दिस टेबल ऑन वॉट e dot d p t number equal to d dot d p t number, ठीक है, where आ जाएगा और यहाँ पे मैं लोकेशन चेक, इसीलिए ये where का कॉलम आ जाएगा, बट ये है इनर जॉइन। अगर मैं बस इसी को रन करूँ, ये शिकागो हटा दूँ यहाँ से पिक्चर से, बस इसको रन किया तो इस तरह का आ जाएगा डेटा, ठीक है, ये है इनर जॉइन। तो यहाँ पे पूरा इनर जॉइन पूरा एम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा, बट हमें चाहिए शिकागो में काम करने वाले, तो इसलिए हम वेयर क्लॉक लगा के करते हैं, तो ये आउटपुट आ गया हमारा, ठीक है, इसका शॉर्टकट है, इस क्वेरी को रन करेगा यहाँ, इस क्वेरी के इस जगह से लेके यहाँ तक कहीं भी आप रहोगे कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये क्वेरी रन हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल एंटर दबाएंगे क्वेरी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये तीन तरह से नहीं, मतलब तो बेसिकली दो तरह से ही है, ये दोनों तो ज्वाइंट लगा रखे हैं, बस ज्वाइन लगाने के ज्वाइन लिखने के तरीके अलग अलग है, मोस्टली मैं ये प्रेफर करता हूँ, मेरे को आसान लगता है तो इसीलिए, बट कोई कोई जिनको इनर ज्वाइन ऐसा लिखना पसंद है पता चलने के लिए, तो वो लोग इनर ज्वाइन ऐसे लिखते हैं। और ये जो है सब क्वेरीज के हिसाब से, वैसे तो मेरे को देखा जाए इतना छोटा सा प्रॉब्लम है तो मैं सब क्वेरी में ही सॉल्व कर लेता, मैं इनर ज्वाइन सब नहीं लगाता क्योंकि जब प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी लंबी करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम 58 क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको, ठीक है। डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, थोड़ा एग्रीगेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए अभी 58 क्वेश्चन, आई नो दो क्वेश्चन ही सॉल्व हुए हैं बस, सॉरी एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, जॉइंट्स को मैंने लगभग थोड़ा बहुत समझा दिया है, तो आपको जॉइंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, और क्या कहते हैं मैं पूरा जॉइंट्स के डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, लगभग 70% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, मैं एनालिटिक्स में देख रहा था, ठीक है, मर्जी आपकी है, बट आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ जाएगा नहीं आपका, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं वीडियो बनाते रहूं, ठीक है। आपको मज़ा आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ क्या कहते हैं मेरे इंस्टाग्राम का पेज का नीचे लिंक है, प्लीज़ इंस्टाग्राम में सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। टेकी कृष्णा कायकिंग नाम का मैंने अलग से इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है, टेकी कृष्णा कायकिंग हैंडल में प्लीज़ फॉलो कीजिए। एंड टेलीग्राम का एक लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल में, जिसमें एक्सक्लूसिव चीज़ें डालूंगा, कुछ चीज़ें आने से पहले ही शायद मैं उसको डाल दूँ, एंड कुछ भी अनाउंसमेंट होंगे, कुछ नई चीज़ें होंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आपको स्पेसिफिकली मेरे बारे में डिटेल्स पता चल जाएगी, चैनल में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नया चीज़ आएगा तो उस पर मैं पक्का अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, एंड इंस्टाग्राम में भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड आपको मेरे से पर्सनली बात करनी किसी भी चीज़ में तो वो भी लिंक नीचे दे रखा है, 1-on-1 सेशन मेरे साथ सिंगल टू सिंगल बात करने के लिए आप टाइम बुक कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्त के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे और भी बहुत एसक्यूएल सॉल्व करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ हफ्ते में एक दो वीडियो एक्स्ट्रा लाऊं और एसक्यूएल बहुत अच्छे सिखाऊं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सिखाने हैं, बहुत सारी चीज़ हैं नया नए सीख रहा हूं मैं, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, एंड प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।